सर मैं पूजा कपूर प्रेसिडेंट रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंसी ट्रेडर्स एसोसिएशन प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि हमारी जो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है पार्किंग की उसको सॉल्व किया जाए क्योंकि उसके बगैर हमारा काम धंधा बिल्कुल जो है ठप हो जाएगा एंड इट इज़ एज़ गुड एज़ लॉकडाउन। हम लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए पार्किंग की ज़रूरत है, गाड़ियों की ज़रूरत है, कस्टमर्स की पार्किंग की ज़रूरत है। ऑल ऑफ अ सडन जिस पार्किंग के ऊपर कल तक परसों तक पर्चियाँ कटती थी, टेंडर निकले हुए थे, वो पार्किंग इन्होंने एक मिडनाइट ऑर्डर निकाला रात को 12 बजे और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने पार्किंग उठा दी विदाउट गिविंग एनी ऑल्टरनेटिव टू अस, विदाउट टेकिंग अस इनटू कॉन्फिडेंस। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है, बड़ी एब्सर्ड डिसीजन है और इतना हैफजर्ड डिसीजन इन्होंने अगर लेना था, इनको कम से कम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। हम इन लोगों से दोबारा से आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि ये हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम को समझें और हमारे को एक ऑल्टरनेट पार्किंग सोल्यूशन दें फॉर द शॉपकीपर्स एंड फॉर द कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे ही नहीं तो हम लोगों ने मार्केट में करने के लिए क्या आना है? यहाँ पे स्कूटियाँ नहीं पार्क करने दे रहे, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रुकने दे रहे, यहाँ पे लोड कैरियर्स अनलोड और लोड नहीं कर सकते, तो ओल्ड सिटी में सब जगह गाड़ियाँ लग रही हैं। व्हाई रेजिडेंसी रोड हैज़ बीन टारगेटेड विदाउट एनी रीज़न एंड विदाउट एनी इंटीमेशन। हम लोगों ने जब ये कल प्रोटेस्ट किया, हम लोग जब सड़कों पर आए और हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, तो डीसी मैडम की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए, एसडीएम साहब आए, नायब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमारे को एश्योरेंस दी कि वो 3 बजे हमारी मीटिंग फिक्सअप कर रहे हैं डीसी मैडम के साथ, उनके साथ आप बात करने के बाद ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना। लेकिन जब हम लोग डीसी मैडम को मिलने के लिए गए, वो एयरपोर्ट गई हुई थी किसी को रिसीव करने के लिए, शी वॉज नॉट अवेलेबल, एंड ACR साहब हमारे को मिले और उन्होंने एक SOP टेबल पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये MH की डिसीजन है, SOP है, ये लागू सब मार्केट्स के लिए। लेकिन मैंने उनको ये पूछा कि ये जो SOP है ये एक दिन पुराना नहीं है, एक दिन पहले ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ट्रैफिक की या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि इनको रातों रात ऐसा डिसीजन जो है ड्रास्टिक डिसीजन लेना पड़ा। हम तब भी जो परमानेंट पार्किंग है ये रिमूव करना चाह रहे हैं, जिस जो पेड पार्किंग होती थी जहाँ 15 दिन एक एक महीना गाड़ियाँ पार्क करके लोग चले जाते थे, वी आर फाइन विद दैट। अगर वो रिमूव भी कर दें, वी आर फाइन विद दैट। लेकिन जो शॉपकीपर्स इतनी इतनी दूर से आ रहे हैं, व्हीकल्स पे आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे मार्केट में? ACR साहब मेरे को कहते हैं उनको बोलो स्कूटियों पे आए। हाउ कैन आई टेल माय मेंबर्स टू डू दैट? वो कहते हैं कि जी नहीं, आप जो है पिक एंड ड्रॉप हो। अब जिनके पास ड्राइवर्स नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ड्राइवर्स उनको? मैं अपने मेंबर्स को ये सर्कुलर निकालूंगी जी आप अपने ड्राइवर्स के साथ यहाँ पे ड्रॉप हो? तो दिस इज़ इवेंचुअली नॉट पॉसिबल। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपके थ्रू कि हमारी बात को समझा जाए, हमारी प्रॉब्लम को समझें, वरना ये दुकानें बंद करके चाबियाँ जो है हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और जिसको खोलना है और माल बेचना है बेचें, क्योंकि हम लोग विदाउट पार्किंग विदाउट कस्टमर्स मार्केट में करने के लिए क्या आएंगे?